Hi everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of Moxone MBA Preparation. So guys, in today's video, I'm going to discuss about the attempt strategy of DI section of SRCC GBO. Guys, you know कि DI के 40 questions आते हैं, काफी ज़्यादा weightage है. DI section का इतना weightage किसी exam में नहीं होता है. और काफी लोग पिंग्स आ रहे हैं कि ऐसे केस में क्योंकि टाइम भी कम है तो DI की कौन से सेट्स या कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए पहले, कौन से क्वेश्चंस छोड़े जाए. बिकॉज DI में काफी लोग काफी स्ट्रक कर जाते हैं, उनको बाकी सेक्शंस अफेक्ट होते हैं. तो इसके लिए गाइस हम लोग बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं लास्ट ईयर का ओरिजिनल पेपर का DI सेक्शन, और उसे मैं एक एक सेट देखूंगा एंड वी आर बेसिकली गोइंग टू एनालाइज कि ये सेट आपको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था अगर ऐसा क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला है हमेशा गाइस कि DI में एक ही सेट के चारों क्वेश्चन या पांच क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है. कभी कभी ऐसा होता है एक सेट के तीन क्वेश्चन आते हैं, ईजी होते हैं, बाकी दो क्वेश्चन काफी टफ होते हैं, ऐसा हो जाता है कभी कभी. तो ऐसा भी करना चाहिए, ये नहीं कि एक सेट के पीछे पड़ गए. तो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे गाइस. जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो गाइस, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी बिकॉज काफी लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं. एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज आप काफी एग्जाम्स भी देने वाले होंगे सीमैट वगैरह, तो आपकी हेल्प हो जाएगी बिकॉज काफी वीडियोस बनने वाले हैं सीमैट के 7th के बाद. चलो गाइस देख लेते हैं. सो गाइस ये मैंने ओपन कर लिया है लास्ट ईयर का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर. तो ये DI सेक्शन मैंने ओपन कर दिया है. तो पहला सेट नंबर का है प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, दो टाइप के व्हीकल्स की बात हो रही है. ठीक है, व्हीकल ए, ए एंड बी दो कंपनीज हैं और ये ईयर्स की बात हुई है. तो ब्लू कलर वाली कंपनी ए है, ठीक है, एंड ऑरेंज वाली कंपनी बी है. ठीक है, तो गाइस यहाँ पे बहुत ही छोटा सा डेटा दिया है, बहुत बड़ा कुछ कैलकुलेशन नहीं दिख रही है. ईयर्स बाय ईयर्स की प्रोडक्शन के यूनिट्स की बात है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशियो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ टाइप ए प्रोड्यूस्ड इन 1617 टू द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ टाइप बी. इजी क्वेश्चन है, रेशियो निकालना आपको ऐड करके, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए. अगर क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर से करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग. ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये हो जाना चाहिए आपको. और गाइस मैं मान के चलूंगा कि DI में आप 30 मिनट्स दे रहे हो और जनरली आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो टाइम का वो डिस्ट्रीब्यूशन, बट 35 क्वांट्स में 30 30 LR एंड DI में, तो ये कितने हो गए, 95 हो गए और 25 मिनट DA में. तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, हमने पहले कुछ और बताया होगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर. ठीक है, अभी के लिए मान रहे हैं 30 मिनट्स आप DI में देने वाले और एक मिनट एक क्वेश्चन को मान के चलेंगे हम लोग, दो के कई जगह आपको कम भी लगेगा बट एक मिनट एवरेज मानेंगे. ये क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए था क्योंकि ये पूरा सेट में कुछ कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं. कभी कभी गाइस दिक्कत कब आती है, जब सेट ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता हो. यहाँ तो डेटा बहुत सिंपल सा दिया है. ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ टाइप ए प्रोड्यूस्ड इन दिस ईयर्स, मतलब इन सबके ईयर्स का सम करके 90% निकाल लो, इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ टाइप बी प्रोड्यूस्ड इन द ईयर्स, इन दोनों का एडिशन करना है. उतना टफ नहीं गाइस, करा सकता है, करना है आपको बिकॉज डेटा ज्यादा नहीं, इसलिए करना पड़ेगा आपको. एक मिनट के अंदर हो जाएगा ये क्वेश्चन आराम से. In 2019, the production of vehicles of type A increased by the same percent as in 2016. 2016 में जो हुआ है वही अगर मान लो 2019 में होता है, ठीक है, तो then what was the number of vehicles type A produced in 2019? तो guys एक मिनट में हो जाना चाहिए अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल से, बिकॉज आपको बस परसेंटेज देखना. बट स्टिल अगर आपको लेंदी लग रहा है तीन लाइन का तो उसको छोड़ के आगे जा सकते हो, बट कर लो तो अच्छा रहेगा. बट इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो और यह लिख लो थर्ड नंबर, क्योंकि डेटा ईजी है, डेटा टफ नहीं है. दिक्कत अब आती है जब डेटा बहुत बड़ा होता है, जब एक पाई चार्ट भी एक टेबल भी, तब दिक्कत ज्यादा आती है. अभी तो कुछ डेटा है नहीं. ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ टाइप बी प्रोड्यूस्ड इन द एवरेज निकालना है तीनों का, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस, इसका निकालना है. थोड़ा सा सही से पढ़ना गाइस, क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है यहाँ पे ए बोल रहा है. बाकी क्वेश्चन पूरा कैलकुलेशन वाला ईजी है, करना चाहिए आपको ये, क्योंकि ये सब क्वेश्चन नहीं करोगे तो करोगे क्या. ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ टाइप बी प्रोड्यूस्ड इन दिस ईयर्स इज एक्स परसेंट ऑफ द टोटल व्हीकल्स ऑफ ए प्रोड्यूस्ड इन, मतलब पूरा कैलकुलेशन है आपको, व्हीकल से ऐड करके परसेंटेज निकालना भी करना चाहिए आपको मेरे अकॉर्डिंग. ठीक है, मतलब एक मिनट के अंदर तो हो जाएगा, परसेंटेज वाला क्या है, ऐड तो कर ही लोगे थोड़ा बहुत, तो मेरे ख्याल से आपने स्वीट मैथ्स पढ़ी होगी. ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो. तो गाइस यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन छोड़ा है, चार क्वेश्चन किए हैं और मान लो चार क्वेश्चन में आपको पांच मिनट लग गए, आपके पांच मिनट जा चुके हैं मान सकते हैं ऐसा. वैसे तो एक मिनट पर क्वेश्चन होना चाहिए बट स्टिल पांच मिनट मान लो, पांच मिनट आपका चलेगा, चार क्वेश्चन आपके हो गए. अब आते हैं अगले में, ये अलग सेट देखते हैं. परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाई टू कंपनीज ए एंड बी ड्यूरिंग द ईयर 13-18, ये ब्लू वाली कंपनी ए है, रेड वाली कंपनी बी है और ये परसेंटेज प्रॉफिट है. ठीक है, जैसे कि 45% 30% ऐसा हुआ है. और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट परसेंट का होता है आई माइनस ई अपॉन ई. पहला काम तो ये करना कि इनकम पूरा मत लिखना, आई माइनस ई अपॉन ई लिखना, और दूसरा काम क्या करना, आई माइनस ई अपॉन ई भी लेना लिखना, इसको ऐसे लिखना आई बाई ई माइनस वन ऐसे लिखना है. मैंने ये अलग सर डिस्कस किया लाइव, लाइव नहीं मतलब यूट्यूब पे डिस्कस किया है, देख लेना चाहो तो. गाइस यार में भी बहुत कम डेटा है,
परसेंटेज दिया होगा कि फॉर्मुलेज दिए हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ द कंपनीज ए एंड बी इन 2018 वाज सेम, अगर एक्सपेंडिचर दोनों कंपनीज का सेम था, व्हाट वाज द रेशियो इनकम। बहुत इजी है ये, आपका हो जाना चाहिए, ये करोगे आप। ठीक है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए, कंपनी का एक्सपेंडिचर दिया गया है, पूछ रहा है इनकम, बहुत ईजी है, करना है आपको ये मेरे ख्याल से 1 मिनट से कम में हो जाएगा आराम से, बट स्टिल 1 मिनट मान लो आप। इस सेट के तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इफ द इनकम ऑफ कंपनी बी, इनकम बी दी गई, बहुत ईजी है, आपको निकालना है एक्सपेंडिचर बी का, बहुत ईजी है, हो जाएगा ये। ठीक है, इफ द प्रॉफिट अंडर कंपनी ए इन 2014 वाज इतना, प्रॉफिट इतना है, देन व्हाट वाज द इनकम, इनकम आपको निकालनी है, प्रॉफिट आपको दिया गया है, आपको इनकम रिटर्न्स में निकालना है। ठीक है, सेम ही है, तो ये भी हो जाएगा आराम से। ठीक है, ये भी हो जाएगा। देन इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए एंड बी इन 2013, इनकम के रेशियोज ये हैं, देन एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए वाज व्हाट परसेंट, तो एक्सपेंडिचर निकल आएगा आई बाई ई माइनस वन वगैरह से। ठीक है, ये कर सकते हो आप, व्हाट परसेंट लेस देन कंपनी बी, चला भी हो सकता है आराम से। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। तो गाइस इस सेट के पांचों क्वेश्चन हो जाएंगे, और दो तीन क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे, तब भी ये मान लो कि आपको 5 मिनट लगेंगे। गाइस आपने 9 मिनट में, नहीं नहीं 10 मिनट में 9 क्वेश्चन कर लिए, आपने 10 मिनट में 9 क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि दोनों सेट काफी ईजी थे। ठीक है, अच्छी बात यह है कि अभी तक दोनों सेट ईजी आए, कभी कभी ऐसा होता है ये दोनों सेट पीछे होते और टफ क्वेश्चन आगे होते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, बट हो सकता है किसी और के फेवर में ऐसा शफल हो गया हो। तो बेसिकली आपने 10 मिनट्स में 9 क्वेश्चन किए हैं, जो कि काफी अच्छा रेट है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये अलग सेट क्या है, स्कूटर नंबर स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल सोल्ड बाय द डीलर ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, स्कूटर एंड मोटरसाइकिल से बात हो रही है, ब्लू वाला स्कूटर है, रेड वाला मोटरसाइकिल है। गाइस ये चीज आप दिमाग में तुरंत याद कर दिया करो, कि बार बार देखना नहीं पड़ेगा आपको, उससे आपका टाइम सेव होगा। ये पूरा डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल चीज है, हर महीने का आपको दिया गया डेटा नंबर का, तो सेट मेरे ख्याल से ज्यादा टफ नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्कूटर्स सोल्ड बाय द डीलर इन फेब एंड मे टू द, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ऐड करके रेशियो लेना है, हो जाना चाहिए 1 मिनट के अंदर। ठीक है, लास्ट चाहिए गाइस, डीआई इजी आई थी, उतनी टफ नहीं आई थी, डिसेंट आई थी। मतलब गाइस अगर आप 30 मिनट्स दे रहे हो और लास्ट चाहिए तेरा डीआई आती है, 25 क्वेश्चन तक कर सकते हो ढंग से। अगर 25 क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो कहेंगे आप गलत सेट पढ़ाया है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड बाय द डीलर इन दीज मंथ्स इज व्हाट परसेंटेज मोर देन, ऐड करके बस परसेंटेज निकालना है, उतना आना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा, ये टफ नहीं माना जाएगा सच बताओ, क्योंकि यहाँ पे डेटा बहुत सिंपल है, आपको डेटा इतने बेकार मिलते हैं ना, आप पूछोगे नहीं, ये बहुत इजी डेटा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ स्कूटर्स एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ्स बिलो 7.5%। गाइस फेब ऐसे तो आपको क्या करना है, सेल्स ऑफ स्कूटर्स बोल रहा है तो इसको देखना है बस आपको, किसकी 7.5 से बिलो है। ठीक है, बस आपको ये देखना होगा, जैसे आप 10% निकालो 24.5, अब 245 में 24.5 ऐड करोगे तो 280 से ये मतलब 10% ज्यादा होगा, ये नहीं आंसर। ठीक है, ऐसे करके आप करते जाओगे मई अप्रैल तक, तो आपको मार्च मिल जाएगा, जैसे मई है, मई वाला कौन सा है, ये क्या है 350 325, तो 25 का गैप आ रहा है, 25/325 इज व्हाट 1/13। ठीक है, तो वही चीज़ है, 1/13 क्या होता है 7.69%, ये भी नहीं है। तो गाइस यहाँ पे ये चीज़ है कि जब आप, आपको फ्रैक्शन आना चाहिए, जिसको 1/13 की वैल्यू नहीं आती 7.69 वो करता रह जाएगा, तभी गाइस वन, अभी आपने नहीं पढ़ा है तो गाइस आपको रिक्वेस्ट करूंगा गाइस कि 1/2 1/3 से लेकर 1/30 तक के वैल्यूज रट लो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली इसकी। ठीक है, जैसे मार्च है, मार्च में क्या है 300 280, 20/280 पूरा 1/40, ये कितना आ गया, ये मेरे को कुछ गड़बड़ किया गया हमने। ठीक है, ये 300 है और ये 280, तो 20/1/14 होगा, 1/14 है, तो ये अब ऐसा करना है। ठीक है, तो ये चीज है गाइस, तो 1/7 कितना होता है 14.28, तो 1/14 कितना होगा, काट दो उसको, तो 7.5 से कम आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया मार्च। ठीक है, तो फ्रैक्शन वाला खेलते बोलो, इसको फ्रैक्शन आता कर लेगा। गाइस ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए, उतना टफ नहीं है, बस आपको 4 ऑप्शन देखने, कर लोगे 1 मिनट में, देखो बस 1 मिनट में हो रहा है कि नहीं वो देखो, और 1 मिनट में तो यार हो जाएगा, क्योंकि आपको डेटा, मेन चीज क्या है, क्यों हो रहा है क्वेश्चन 1 मिनट में, क्योंकि डेटा ईजी है, अगर डेटा में बहुत सारा काम होता तो नहीं हो पाता, आपको टाइम लगता उसमें, यहाँ पे डेटा के नाम पे कुछ है ही नहीं, सीधे आपको नंबर दे दिए गए, मेन काम क्वेश्चन करना। इन जुलाई 2020 द सेल्स ऑफ स्कूटर इंक्रीज बाय द सेम परसेंटेज इन जून 2020 ओवर द प्रीसीडिंग मंथ, 420 से 350 कितना, 70/350, 20% का गैप, 20% से इंक्रीज हुआ है, तो ये 20% से इंक्रीज होगा कितना हो जाएगा, अगर आपको 420 को 20% से इंक्रीज कराना है तो मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ना, 10% निकालो 42, 20 हो जाएगा 84,
सीधे 420 प्लस 84 करोगे क्या आएगा आंसर, ये आपका आना चाहिए, कितना आंसर आना चाहिए 420, हाँ ये आपका आ जाएगा 504, सही। ठीक है, तो ऐसे होते हैं काम, ये भी आप कर लोगे। तो इससे भी आपने अभी तक सारे क्वेश्चन किए हैं 1 मिनट के अंदर। ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड बाय द डीलर इन दीज मंथ्स एक्सीड्स, बहुत ईजी है गाइस, इसको छोड़ नहीं सकते आप, हो जाना चाहिए आराम से। ठीक है, तो गाइस ये वाले चैप्टर भी आपने सारे क्वेश्चन किए हैं और वो भी 5 मिनट के अंदर, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं आप, तो मैं बोल सकता हूँ कि आपने 15 मिनट में 14 क्वेश्चन कर लिए डीआई के। और गाइस मैं ये मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, ये आप किसी बंदे से पूछोगे जो मॉक नंबर ला रहा है, वो यही बोलेगा कि हाँ कर सकते हैं आपसे, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, 15 मिनट में 14 क्वेश्चन आप कर सकते हो। वाले यार क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से, ऐसा आ गया, यहाँ पे वही डेटा दिया गया आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी एबीसी इन करोड़, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या रेशियो इनकम एक्सपेंडिचर दिया गया है, ठीक है, ये इनकम दिया गया है ब्लू वाला, ये एक्सपेंडिचर दिया गया, थोड़ा समझ लेना, ये प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है, व्हाट इज द रेशियो टोटल इनकम ऑफ कंपनी इन दीज, रेशियो निकालना है, बहुत इजी निकल जाएगा, डेटा ज्यादा कुछ है नहीं एनालाइज करने को। देन इफ द रेशियो एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इन 2015 वाज इतना, एक्सपेंडिचर्स अगर इतना है 2015 में, ठीक है, एंड द कंपनी एंड प्रॉफिट 20%, देन व्हाट वाज द इनकम, थोड़ा सा ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ये बड़ी बात नहीं है उतना, क्योंकि डेटा में टाइम नहीं लगना है गाइस, इसलिए आप कर सकते हो, तो 1 मिनट में ये भी हो जाना चाहिए। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी एबीसी, ठीक है, इन 2019 द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इंक्रीज बाय सेम परसेंटेज, ये दा हो जाएगा, ये 1 मिनट के अंदर हो जाएगा आराम से। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, एवरेज प्रॉफिट निकालना है यार, निकल जाएगा ये तो, ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से निकालना है, बहुत ईजी है, आराम से निकल जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स वाज अ परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम बिलो 7%, गाइस यहाँ पे भी आपको बस 4 ईयर्स का देखना है, टाइम लगेगा, हो जाएगा आराम से, छोड़ना मत इस क्वेश्चन को, ज्यादा कुछ नहीं है, आता वो क्वेश्चन है, हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो गाइस अभी हमने क्या किया, यार मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, और हम ये बोल सकते हैं कि 20 मिनट में आपने 19 क्वेश्चन कर लिए हैं यहाँ पे बहुत ही ईजिली। इसका रीजन क्या है कि अभी तक जितने भी सेट थे बहुत ईजी थे, बट अब दो दो पाई चार्ट वाले सेट आ रहे हैं, और बहुत ही थोड़ा सा वैसा भी है, तो बहुत संभाल करना पड़ेगा, पर अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आप कितने क्वेश्चन कर चुके हो, 19 क्वेश्चन कर चुके हो, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आपको लगते हैं वो कर लेना। अब ऐसे क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ कि इसमें आपको टाइम लगेगा, यहाँ पे एंगल एंगल भी है, फिर ये दो चीजें हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पे आपको टेबल बनाने में टाइम लगेगा। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पेशलाइजेशन इन ए एंड बी एक्सीड्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पेशलाइजिंग इन बी एंड ई बाई एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ देन एक्स लाइज विद बी। तो गाइस ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको 61.2 डिग्री वगैरह दिया हुआ है, टफ नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन टफ नहीं है, यहाँ पे रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स दिया, मेल टू फीमेल का रेशियो दिया गया, और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स भी दिए हैं, यहाँ पे डिग्री दिया है, तो गाइस डिग्री के टर्म्स में अगर दिया हो तो कैसे निकालते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 61/2/360 × 2400, ये ऐसे। ठीक है, तो गाइस बात उसकी नहीं, कर नहीं पाओगे, कर लोगे, बात उसकी है कि उस टाइम पे कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो गाइस वही चीज है कि कर सकते हो, अगर आपको करने हो, देखो 19 क्वेश्चन आप कर चुके हो, आपको 6-7 क्वेश्चन का देखना है, और बट ऐसा टारगेट मत रखो, शायद कोई इजी क्वेश्चन मिल जाए, तो अगर आपको छोड़ना हो तो ऐसे छोड़ सकते हो आप ये क्वेश्चन, क्योंकि लेंदी लग रहा हो, वैसे मैं बोलूँ फ्रेंकली तो ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर आराम से हो जाए, ठीक है, ईजी है डेफिनेटली, क्योंकि आप परसेंटेज नहीं निकालना है, वो कर निकालनी वैल्यू कर, तो कर सकते हो। ठीक है, ये कौन, ये क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पेशलाइजिंग इन ई इज व्हाट परसेंटेज मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पेशलाइजिंग इन सी, ठीक है, ये भी इजी है, ये कर लोगे आप 1 मिनट में, हो जाना चाहिए, क्योंकि तो यहाँ पे गाइस डेटा अभी देखो क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल की बात नहीं आ रही, जब मेल फीमेल की बात आएगी तब लेंदी और हो जाएगा, अभी यहाँ पे इसी की बात आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं की, ठीक है, इसलिए द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स स्पेशलाइजिंग इन डी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, थोड़ा सा काम है गाइस, अब डी के लिए फीमेल स्टूडेंट्स का क्या हो जाएगा, ये 3/10 हो जाएगा इनटू, स्टिल मैं बोल रहा हूँ गाइस 1 मिनट में आप कर सकते हो क्वेश्चन, टफ नहीं है, क्योंकि डेटा बहुत हैवी नहीं है इसका, आपको बस मेल फीमेल का रेशियो दिया गया, और जब भी ऐसा रेशियो दिया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही ईजी कट भी आता है, बस आपको ये डिग्री को ध्यान रखना पड़ेगा। गाइस मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, आप कुछ चीज की परसेंटेज निकाल के रखो, जैसे गाइस अगर आपको इस एंगल का परसेंटेज निकालना है, क्या करोगे 54/360 × 100 करोगे आप, ये कर सकते हो। ठीक है, तो 9 6 जा 24,
9 4 जा, तो बेसिकली क्या होगी, 15% है। तो पहले से अगर बताओ कि 54 डिग्री के लिए 15% होती है, मान लो अगर ये मुझे पता होता कि इसके लिए 15% होती है, तो मैं सीधे 15% निकालता इसका। और 15% कैसे निकालता, 10% निकालता 240 प्लस 5 प्लस मैं क्या करता, 5% निकालता 120, सीधे मेरा आंसर 360 आता। मतलब अगर निकालना होता तो डिग्री से परसेंटेज करने के लिए इंटू 100 करते हैं। तो ऐसे कुछ वैल्यूज होती है ना, 54 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री, ठीक है, इवन 61 की वैल्यू भी याद कर लो, अगर याद कर पाओ तो 61.2 डिग्री उधर, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आपका काम वहाँ पे ईजी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी गाइस आप कर सकते हो, ठीक है। दो मैं मानता हूँ कि दो सेट दो टेबल्स वगैरह हैं, पाई चार्ट भी, बट स्टिल 1 मिनट करने लायक है। रेशियो टोटल ऑफ मेल स्टूडेंट्स स्पेशलाइजिंग इन बी एंड सी, ठीक है, ये टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट, रेशियो बोला गया, तो हो सकता है गाइस करोगे तो निकल जाएगा, टफ नहीं है क्वेश्चन, 1 मिनट लायक है आराम से, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स स्पेशलाइजिंग इन बी एंड सी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पेशलाइजिंग इन सी एंड डी, ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, परसेंटेज वाली बात है और डेटा बहुत ही नॉर्मल है, 1 मिनट में तो हो जाएगा आराम से क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने 25 मिनट में 24 क्वेश्चन कर लिए एडीआई के, ठीक है। अब आपको काफी कुछ आप कर चुकी हो, और गाइस मुझे पता है कि कैसा क्यों है डीआई इजी क्यों है, बिकॉज क्वांट्स बहुत टफ आई है, अगर क्वांट्स टफ के बाद डीआई टफ दे देंगे ना, तो बहुत पेपर टफ हो जाएगा, मान के देखो ये चीज। अब यहाँ पे दिक्कत आई है आपको, अब तो मैं बोलूंगा आप हार्डली कुछ कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने बहुत इजी सब कर लिए, अब इन लोगों का लेवल खुल गया है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, बट स्टिल देख लेते हैं। डेटा रिलेटेड टू एम्प्लॉयज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी एबीसी एंड इन इट्स 6 ऑफिसेस ABCDEF, ठीक है, ऑफिसेज हैं, टोटल एम्प्लॉयज हैं, रेशियो मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज भी आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज भी आ जाएगा, ठीक है। द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन ऑफिस DENF, DENF के एवरेज नंबर एम्प्लॉयज फीमेल एम्प्लॉयज, पहले आपको फीमेल एम्प्लॉयज निकालने पड़ेंगे, कितना बड़ा काम है गाइस, ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पहले फीमेल एम्प्लॉयज निकालने, DEF की उसके एवरेज निकालने, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं बेकार टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि जब फीमेल एम्प्लॉयज निकालोगे तभी तो एवरेज लोगे। फिर आपको निकालना है एक्सीड्स द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन बी, खैर बी का तो निकल आएगा मेल एम्प्लॉयज, बड़ी बात नहीं, बट स्टिल अगर आप टाइम बचाओ आपके पास तो कर लेना, ना छोड़ सकते हो, अगर 5 मिनट बचे अगर आप कर पाओ तो कर लेना, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, आपको बस 7/13 इंटू दिस प्लस ई का क्या है 9/14 इंटू दिस, ऐसे करना है आपको फिर, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन ऑफिस ए एंड डी, ए एंड डी के मेल एम्प्लॉयज का रेशियो निकाल लो, 4/7 इंटू दिस प्लस 6/7 इंटू दिस टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल, ये क्वेश्चन कर सकते हो आप, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपने और कर लिया, आपके पास क्योंकि 5 मिनट बचेगा तो आप नहीं कर पाओगे ज्यादा, ये हटा दो, ये बहुत बड़ा है, पोस्ट ग्रेजुएट से पहुंच गया, ये नहीं कर पाओगे आप, द एवरेज नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट ब्रेड्स नहीं कर पाओगे, टाइम नहीं उतना लग रहा है देख के भी। इन विच द ऑफिस ये भी नहीं कर पाओगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाले तो बहुत टाइम लगेगा ये सब करने में, ये भी नहीं कर पाओगे, जिस तरह का टाइम बचा ना आपके पास, जब 25 क्वेश्चन आप सही कर चुके ऑलरेडी, मान रहा हूँ मैं 26 मिनट में, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड फॉर वोकेशनल कोर्सेज इन इंस्टीट्यूट्स ABCD, ठीक है, ये ईयर है, इंस्टीट्यूट है, 35% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन VC इन इंस्टीट्यूट्स ABE 2019, ABE इज 12% मोर देन, गाइस ये क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा, छोड़ो उसको, नहीं कर पाओगे, ये सर्टिफिकेट है। द रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन VC इन इंस्टीट्यूट्स BDE इन 2015, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, 1 मिनट में वाला क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये कर सकते हो आप, तो आपने 27 क्वेश्चन कर लिए, 27 नहीं किए, 26, मेरे ख्याल से 26 क्वेश्चन किए आपने, हाँ 24 थे ना, दो बड़े हैं। द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन बीसी इंस्टीट्यूट 2014 16 17 एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड, ठीक है, सबका एवरेज निकालना पड़ेगा क्या पूरा, बहुत बड़ा काम है, तो ये नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि यहाँ पे अच्छा इन ई बोला गया ना, सॉरी ये बेटो को इन ई बोला गया है, ठीक है, 2014 16 एंड 17 ये बोला गया, बहुत ध्यान से पढ़ना गाइस, इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन बी, ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, इयर्स
अच्छा अभी चेक करना पड़ेगा आपको, तब तो दिक्कत आएगी आपको थोड़ी। बट बी के 2 साल के हैं, 2 साल का बोला गया ना बी का, तो 2 साल का एवरेज लिया जा सकता है ना, तो ये कर सकते हो आप, ठीक है, अलग हो जाएगा। द टोटल ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन द ऑल द 5 इंस्टीट्यूट्स, मुश्किल है भाई, छोड़ दो, लंबा जाएगा थोड़ा, परसेंटेज की बात दिक्कत होती है। टोटल ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन बी सी इंस्टीट्यूट्स ये अलग क्वेश्चन भी गाइस कर सकते हो, क्योंकि बी यानी और डी है, डी का ही बोला गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना तो हो सकता है अलग क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो आपके 27 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 27 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, और 28 मिनट्स में आपके पास 2 मिनट बचे हैं खाली गाइस। ये क्वेश्चन ये सेट ईजी है, आपको क्या दिया गया है, स्कूल दिए हैं, नंबर ऑफ बॉयज दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 स्कूल दिया गया आपको, ठीक है। सॉरी, If the average number of girls in school D and E is approximately what percent less than number of students in school C, D and E? तो यार क्वेश्चन तो सिंपल सा लग रहा है, बट थोड़ा सा लेंथी भी है, 1 मिनट में आप कर सकते हो, कर पाओगे तो कर लोगे, थोड़ा देखना पड़ेगा उसको, आपको कर सकते हो। What is the ratio of number of boys in school B? यार क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, बस यार वाला चलना करो, यार कर लेना, ठीक है। 40% of number of students in school B is equal to the number of girls in school, ठीक है, ध्यान रखा इस गर्ल्स को माइनस करना पड़ेगा, थोड़ा सा जल्दी काम अवॉइड करो तो अच्छा है, ठीक है। अब ये क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स, ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं, ये आउट ऑफ 50, बट परसेंटेज ऑफ मार्क्स मतलब 66% ऑफ दिस, तो आएगा आपका आंसर, ठीक है, ऐसा। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट बी, मार्क्स निकालना है भाई पहले, पहले परसेंटेज को मार्क्स से बदलो, कभी नहीं कर पाओगे, छोड़ो, ये भी गया। एवरेज मार्क्स, यहाँ भाई मार्क्स, ये पूरा परसेंटेज का डेटा दिया गया है, आपको पहले मार्क्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइम ही नहीं इतना, ठीक है। तो गाइस हमने कितने क्वेश्चन किए, मान लो कि आपने 28 क्वेश्चन किए हैं 30 मिनट में, क्योंकि डी आई ईजी आई थी, गाइस रियलिटी ईजी आई थी, बट स्टिल 28 छोड़ो, आप 24-25 क्वेश्चन भी कर लेते हो डी आई के अगर, तब भी वेरी गुड है। बट सीरियसली बता रहा हूँ, शुरू के 4 सेट तो बहुत ही सिंपल थे, वो गलत नहीं हो सकते आपके, ठीक। स्टिल मैं बोल रहा हूँ गाइस कि जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि डीआई पहले करेंगे, बहुत ध्यान से करना, मैंने बिल्कुल मना किया है, चाहे आप तीनों सेक्शन के इजी से क्वेश्चन कर लो, उसके बाद जितना डीआई करना हो, ये नहीं होना चाहिए कि डीआई के चक्कर में क्वांट के स्लोप वाले क्वेश्चन रह गए, या एलआर के बहुत ही कोडिंग डिकोडिंग रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, या वीए में वोकैबिन नहीं कर पाए, पूरा पूरा सेक्शन लोग छोड़ देते हैं भाई डीआई के बाद, ऐसा देखा मेरे को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डीआई बिल्कुल एंड में करना, आपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन से स्टार्ट करो, ठीक है। आई गेस ये वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी आई होगी गाइस, कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलो गाइस, दिस वाज ऑल ओवर द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।